रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथमेटिक्स टीचर उसामा सईद। ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम 3.5 टॉपिक को कर रहे हैं, तो इसका नेम जो है डेट इज़ के मेथड। ओके, सो लेट ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी बी अ प्रोपोर्शन, देन ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू के से। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फोर क्वान्टिटीज़ हो ए बी सी एंड डी और ये प्रोपोर्शन में हो और इसकी आंसर सी मीन्स इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास एक कांस्टेंट के मीन्स एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम इसको इवाल्यूएट कर सकते हैं। मीन्स कि ये वाला फ्रैक्शन भी के बराबर होगा और सी बाई डी वाला फ्रैक्शन भी के बराबर होगा। अगर हम इस वाले फ्रैक्शन को, इस वाले प्रोपोर्शन के स्टेटमेंट को हम के बराबर ले लें, बोथ साइड को बी के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो हमारे साथ ए की वैल्यू बी के आएगी। सिमिलरली अगर इस सिचुएशन में इसके बोथ साइड को डी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे हमारे साथ सी की वैल्यू डी के आएगी। सो दिस इक्वेशन आर यूज टू इवैल्यूएट सर्टन एक्सप्रेशन मोर इजीली। मीन्स इसका ये है कि इस एक्सप्रेशन या इस मेथड से, के मेथड से आप कई एक्सप्रेशन को आसानी के साथ इवैल्यूएट कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड के मेथड। के मेथड इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। स्टूडेंट, इससे बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, एग्जांपल भी बाज़ूकात आ जाते हैं, तो आपने इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अब देखें, अगर आपके पास क्या हो, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ हो, मीन्स कि आपके पास थ्री स्टेटमेंट हो और बी डी और एफ नॉन ज़ीरो नंबर हो, क्योंकि अगर ये नॉन ज़ीरो हो जाए तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। तो फिर आप प्रूव करें कि दैट ईच ऑफ द रेशो इज़ इक्वल टू द फॉलोइंग रेशो, डेट इज़ एल ए प्लस एम सी प्लस एन ई डिवाइडेड बाई एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ। मीन्स कि आपको ये गिवन है, आपने ये प्रूव करना है कि ये वाला पूरा फ्रैक्शन भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है और ये पूरा फ्रैक्शन इसके बराबर है। तो इसको हम के मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। हमने गिवन में ये लिखना है, रिक्वायर्ड में हमने ये लिखना है और इसके सॉल्यूशन को आप देखें, गिवन को आप रिपीट करें, डेट इज़ ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ इक्वल्स टू के। ये मैंने के इसलिए लिया है क्योंकि आपको पता है कि अगर ये कोई भी कांस्टेंट नंबर हो तो हमें एक कांस्टेंट नंबर ही इसके इवैल्यूएशन से मिलता है, तो इसलिए के मेथड इसको कहा गया है। तो हमने इसको और इसको और इसको के सपोज कर दिया है। अब जाहिर बात है तो ये भी के बराबर होगा सेपरेटली, तो आप इस तरह इसके बाद इधर राइट करें, ए बाई बी इक्वल्स टू के सी बाई डी इक्वल्स टू के एंड ई बाई एफ इक्वल्स टू के। जब हमने ए बाई बी को के बराबर लिया, बोथ साइड को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इधर सी बी ख़त्म हो गया जबकि हमारे साथ ए की वैल्यू बी के आ गई। सिमिलरली अगर आप इस वाले फ्रैक्शन को के बराबर ले लें और बोथ साइड को डी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सी की वैल्यू डी के आएगी और ई बाई एफ इक्वल्स टू के बराबर ले लें तो ई इक्वल्स टू एफ के आएगी। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये उठा लेना है, इधर लगा लेना है, डेट इज़ एल ए प्लस एम सी प्लस एन ई डिवाइडेड बाई एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ इक्वल्स टू। अब आपने एल को अपनी जगह पे लिखना है, इस ए की जगह पे आपने बी के पुट करना है, प्लस अपनी जगह पे लगा लेना है, एम की जगह एम अपनी जगह और सी के लिए इधर से आपने ये इक्वेशन डालना है, डेट इज़ डी के। सिमिलरली एन अपनी जगह पे आएगा और ए के लिए आपने एफ के पुट करना है। सिमिलरली ये डिनोमिनेटर अपनी जगह पे लगा लेंगे। अच्छा, इससे तो हमने ये बना लिया, अब हमने नोमिनेटर को देखा तो इसमें हमारे साथ के कॉमन आ रहे हैं, तो इधर से हमने के का कॉमन हटाया तो इधर रह गया एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ, क्योंकि के तो कॉमन निकल गया, डिनोमिनेटर अपनी जगह पे आ गया। अच्छा, अब इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, डेट इज़ एल बी प्लस एम डी प्लस एन एफ और ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जस्ट के आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने इसको भी के बराबर लिया था, इस पूरे फ्रैक्शंस को, और हमारा ये वाला भी के बराबर आ गया, तो इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। सो डेट इज़ आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। ओके, नो कम टू एग्जांपल नंबर 16, डेट इज़ प्रूव डेट ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ इक्वल्स टू ए प्लस बी सॉरी ए प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ। दिस इज़ अ प्रॉपर्टी, अगर आपके पास इस तरह के कुछ फ्रैक्शन आ रहे हैं तो वो बराबर होंगे सम ऑफ द नोमिनेटर डिवाइडेड बाई सम ऑफ द डिनोमिनेटर। अच्छा, इसको भी हम के मेथड की मदद से करेंगे, डेट इज़ वेरी इजी, हम इसको उठा लेंगे, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ, इसको हम के कह देंगे, इसको लिट किया। अच्छा, उसी तरह अब ये वाला फ्रैक्शन भी के बराबर होगा, सी बाई डी इक्वल्स टू के और ई बाई एफ भी के बराबर हो गया, तो ए इक्वल्स टू बी के सी इक्वल्स टू डी के एंड ई इक्वल्स टू एफ के।
ओके स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, अब आपने सम ऑफ द नोमिनेटर उठा लेना है, डेट इज ए प्लस सी प्लस ई। ए के लिए आपने इधर से क्या पुट करना है, बी के। सी के लिए क्या पुट करना है, डी के। और ई की इसी तरह आपने ई के लिए एफ के पुट कर देना है। सिमिलरली इस पूरे एक्सप्रेशन इसके राइट हैंड साइड से आप के को कॉमन निकाले, जब हमने के को कॉमन निकाला तो अंदर रह गया बी प्लस डी प्लस एफ। और बोथ साइड को अब आप क्या करें, आप बोथ साइड को बी प्लस डी प्लस एफ भी डिवाइड करें, तो इधर जस्ट क्या रह गया, जो हमने लिस्ट सपोज किया था स्टार्ट में कि ये के बराबर है, तो इसलिए ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे साथ के बराबर आ गए। तो ये भी और ये भी के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इन पूरी एक्सप्रेशंस की वैल्यू और इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू दोनों सेम आ गई, मीन एक कॉन्स्टेंट के आ गई। सो डेट्स वाई दिस टू आर इक्वल। ओके, नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 17, डेट इज प्रूव डेट ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी इक्वल्स टू ई बाय एफ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। स्टूडेंट, ये भी के मेथड से हम करेंगे, इसको उठाएंगे के बराबर शो करेंगे, उससे ए बी और सॉरी ए सी और ई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, वो ए सी और ई की वैल्यू इधर पुट करेंगे, सिम्प्लीफाई करेंगे, तो हमारे साथ रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ये मैंने लिया a by b equals to c by d equals to e by f, इसको मैंने k कहा, तो जब हमने इसको k कहा तो ये वाला फ्रैक्शन भी k के बराबर जो इधर मैंने लिखा है, और c by d equals to k के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली e by f भी हमारे साथ k के बराबर हो जाएगा। a by b equals to k के बराबर जब हमने लिया तो a equals to b के आ गया, c by d equals to k के बराबर जब हमने लिया तो उधर से c की वैल्यू बी के आ गई, और e by f को जब हमने के बराबर लिया तो उसके हमारे साथ ई की वैल्यू एफ के आ गई। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप उधर रिक्वायर्ड में देखें तो ए के ऊपर भी स्क्वायर है, बी के ऊपर भी स्क्वायर है, सी के ऊपर, डी के ऊपर, ई के ऊपर और एफ सब के ऊपर हमारे साथ स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना रिक्वायर्ड निकालने के लिए इस इक्वेशंस के बोथ साइड को हम स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि हम ये पॉसिबिलिटी हमारे साथ है कि एक इक्वेशन हो तो इसका बोथ साइड आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्यूब भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसके बोथ साइड को मैंने क्या किया, स्क्वायर किया। तो इसका ये साइड भी स्क्वायर, ये साइड भी स्क्वायर, तो इससे आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, और इसको भी स्क्वायर किया तो ये बन गया सी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर के स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये नोमिनेटर उठा लेना है, तो ये मैंने नोमिनेटर इधर लगा लिया, डेट इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब क्या करना है, ए की जगह पे आपने क्या पुट करना है, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस अपनी जगह पे लगाए, सी की जगह पे आप बी स्क्वायर के स्क्वायर पुट करें, और ई की जगह पे आप एफ स्क्वायर के स्क्वायर इधर से पुट करें। अब इसको आप देखें तो इन तीनों टर्म्स में हमारे साथ के स्क्वायर कॉमन आ रहे हैं, तो हमने लिखना है टेकिंग के स्क्वायर एज कॉमन। तो इधर हमने के स्क्वायर को कॉमन निकाला तो अंदर बचा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब आपने इस इन दोनों एक्सप्रेशन को क्या कर देने, कंपेयर कर देने, डेट इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी हमारे साथ वैल्यू हो गई के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने के स्क्वायर को फाइंड करना है, तो के स्क्वायर को फाइंड करने के लिए बोथ साइड को आप डिवाइड करें बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ पे। तो जो हमने बोथ साइड को बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ पे डिवाइड किया, और के को फाइंड करने के लिए बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, तो इधर से स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इस वाले पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये भी के बराबर, और स्टार्ट में मैंने इसको भी के बराबर कहा था, तो लिहाजा ये भी, ये पूरे भी के बराबर, ये भी के बराबर, तो ये दोनों आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए। स्टूडेंट, इसकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। ओके, नो कम टू एग्जांपल नंबर 18, डेट इज इफ ए बाय एक्स इक्वल्स टू बी बाय वाई इक्वल्स टू सी बाय जेड, वेयर ए बी सी एंड एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो नंबर्स, देन प्रूव डेट, आपके पास अगर ए बाय एक्स बी बाय वाई सी बाय जेड है, और ए बी सी और एक्स वाई जेड आपके पास कोई भी नॉन जीरो नंबर्स है, तो फिर आप क्या करें, इसको प्रूव करें कि ये बराबर है थ्री एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई ए बी सी। तो इसको हम स्टार्ट करें, अब इसको भी के मेथड से करेंगे, तो इसका गिवन मैंने उठाया, डेट इज ए बाई एक्स इक्वल्स टू बी बाई वाई इक्वल्स टू सी बाई जेड, और इसको मैंने के कहा। जब हमने इसको के कहा तो इंडिविजुअली ये भी के बराबर, ये फ्रैक्शन भी के बराबर, और ये भी के बराबर हो जाएगा। अब इधर से आप ए की वैल्यू फाइंड करें तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स के, और बी की वैल्यू फाइंड करें तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी वाई के, और सी की वैल्यू आप फाइंड करें तो इधर आ जाएगी
जेड के या के जेड। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब आपने इस एक्सप्रेशन को देखना है, ए इक्वल्स टू एक्स के है तो आपने इधर क्या करना है, बोथ साइड को ए पे डिवाइड कर देना है। तो इधर बच जाएगा वन इक्वल्स टू एक्स के डिवाइडेड बाय ए, और फिर आपने दोबारा के को बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास वन बाय के की वैल्यू एक्स बाय ए आ जाएगी। सिमिलरली आप इधर एक दफ़ा के पे बोथ साइड को डिवाइड करें और फिर बी को बोथ साइड पे डिवाइड करें, तो आपके पास वन बाय के की वैल्यू वाई बाय बी आ जाएगी। और सिमिलरली इधर भी आप अगर बोथ साइड को के पे डिवाइड करें फिर सी पे डिवाइड करें, तो इधर से आपके पास वन बाय के की वैल्यू जेड बाई सी आ जाएगी। अच्छा, अब उधर प्रूफ में देखें तो उधर एक्स वाई जेड ए बी सी के ऊपर आपके पास क्यूब है, तो आपने इन एक्सप्रेशंस के ऊपर क्या लेना है, क्यूब लेना है। सो टेकिंग क्यूब, तो इसके ऊपर भी आप अगर क्यूब ले लें तो ये नोमिनेटर को भी मिलेगा, डिनोमिनेटर को भी मिलेगा, तो इधर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब आएगा, वन का क्यूब वन ही होता है, के क्यूब आ जाएगा, वाई क्यूब आ जाएगा, बी क्यूब आ जाएगा, वन का क्यूब वन ही होता है, के क्यूब आ जाएगा, जेड क्यूब डिवाइड बाई सी क्यूब, वन क्यूब इज वन एंड के क्यूब आ जाएगा। अच्छा, आप क्या करना है, आपने फॉर द इक्वेशंस इन टू सम ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल्स टू सम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू सम ऑफ राइट हैंड साइड। अगर आप देखिए इक्वेशन के इस वाले साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को इस वाले देखें, ये वाला साइड का कह रहे हैं, ये वाला साइड का कह रहे हैं, ये वाला मींस कि एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब की वैल्यू भी आपके पास वन बाई के क्यूब आ गई, इस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू भी वन बाई के क्यूब आ गई, और जेड क्यूब डिवाइड बाई सी क्यूब की वैल्यू भी आपके पास वन बाई के क्यूब आ गई, जो कि आपकी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसलिए आप कहोगे कि डेट इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, वाई क्यूब डिवाइडेड बाई बी क्यूब, जेड क्यूब डिवाइड बाई सी क्यूब, ये सारे राइट हैंड साइड एक साइड पे कर दे, लेफ्ट हैंड साइड एक साइड पे सम कर दे, और इसका राइट हैंड साइड का आप क्या कर ले, एलसीएम ले ले, तो के क्यूब और के क्यूब का एलसीएम के ही के क्यूब आएगा, इसको इस पर डिवाइड करने से वन आएगा, वन इसको साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, सिमिलरली इसको इस पर डिवाइड करने से आपके पास वन आएगा, वन ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करें वन ही आएगा, के क्यूब की डिवाइड करने से वन आएगा, वन वन इज़ वन, तो वन प्लस वन प्लस वन फिर आएगा थ्री डिवाइडेड बाई के क्यूब। तो सो फॉर द इक्वेशन गिवन इन वन प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ राइट हैंड साइड हो गया, सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं एक्स बाई वाई इक्वल्स टू वाई बाई बी इक्वल्स टू सॉरी जेड बाई सी इक्वल्स टू वन बाई के वन बाई के वन बाई के, और इन सब को आप प्रोडक्ट कर ले तो ये क्या बनेगा, डेट इज थ्री एक्स वाई डिवाइडेड बाई ए बी सी, और इधर से आएगा आपके पास थ्री बाई के क्यूब, डेट इज इक्वेशन नंबर फोर। अब आपने क्या कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करने से आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएगी जो आपका रिक्वायर्ड रूट है, डेट इज एक्स क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब, वाई क्यूब डिवाइड बाई बी क्यूब, जेड क्यूब डिवाइड बाई सी क्यूब इक्वल्स टू थ्री एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई ए बी सी। ओके स्टूडेंट, इधर तक आपके एग्जाम्पल्स खत्म हो गए, अब आते हैं एक्सरसाइज 3.4 पे। तो एक्सरसाइज 3.4 को आपने इस पूरी बुक में, ये ऐसा एक्सरसाइज है जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने, तो इसको हम बारी बारी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व भी करेंगे और आपको मैं बताता जाऊँगा, ये फिर आपने अपने साथ नोट करने है रफ नोटबुक पर।